नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी लोग जब भी भगवान शिव की आराधना करते होंगे तो आपके मन में एक सवाल अवश्य आता होगा कि ऐसा कौन सा मंत्र है, ऐसी कौन सी प्रार्थना है या ऐसा कौन सा जरिया है जिससे हम अपनी प्रार्थना भगवान शिव को बड़े ही अच्छे ढंग से और जल्द पहुंचा सकते हैं, जिससे भगवान शिव की हमारे पर कृपा बहुत ही जल्द हो जाए। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसा ही मंत्र बताने जा रहा हूँ जो कि पूरे विश्व भर में भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत लोकप्रिय है। इसे हम शिव आवाहन मंत्र भी कहते हैं। अपनी प्रार्थना जब भी भगवान शिव की ओर पहुँचानी हो या भगवान शिव से आपको जब भी मदद की ज़रूरत हो तो इस मंत्र को पढ़ें और ये मंत्र की शक्ति से आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। इस मंत्र को शिव आवाहन मंत्र कहते हैं, लेकिन हमारे बहुत से भक्तगण, बहुत से लोग शिव आवाहन मंत्र को पढ़ नहीं पाते। जब वो पढ़ नहीं सकते हैं तो याद कैसे कर सकते हैं, बोल कैसे सकते हैं, अपनी विपता के समय में इसका स्मरण कैसे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आकाश के भी आप सभी लोगों को शिव आवाहन मंत्र कैसे बोलते हैं ये सिखाऊंगा। एक बार शिव आवाहन मंत्र आपको बोलना आ जाएगा, इसके शब्द पढ़ने आ जाएंगे, तो आप इस शिव आवाहन मंत्र को अपने किसी भी टोन में अर्थात किसी भी तरीके से गा सकेंगे। साथ ही इस मंत्र का जाप कर भगवान शिव से मदद मांग सकेंगे। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय। पहला छंद, इसे हम ऐसे बोलेंगे, ओम मृत्युंजय परेशान जगदा भय नाशन तव ध्यानेन देवेश मृत्यु प्राप्नोति जीवति। दूसरा छंद, वंदे ईशान देवाय नमस्तस्मै पिनाकिने आदि मध्यांत रूपाय मृत्युनाशम करो तुमे। तीसरा छंद, नमस्तस्मै भगवते कैलासाचल वासिने नमो ब्रह्मेन्द्र रूपाय मृत्युनाशम करो तुमे। चौथा छंद, त्र्यंबकाय नमस्तुभ्यं पंचसाय नमो नमः नमो दोर्दंड चापाय मम मृत्युं विनाशाय। पांचवा छंद, नमो धेन्दु स्वरूपाय नमो दिग्वसनाय च नमो भक्ताति हन्त्रे च मम मृत्युम विनाशया। छठा छंद, देवम मृत्यु विनाशनम भयहरम साम्राज्य मुक्ति प्रदम नाना भूत गणान्वितम दिवि पदह देवह सदा सेवितम। सातवा छंद, आज्ञानम धकनाशनम शुभकरम विद्यासु सौख्यप्रदम सर्व सर्वपितम महेश्वरम हरम मृत्युंजय भावये। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को शिव आवाहन मंत्र बोलना आ गया होगा, इसके शब्द पढ़ने आ गए होंगे। यदि आप सभी लोगों को ये शिव आवाहन मंत्र पढ़ना आ गया है तो आप इस शिव आवाहन मंत्र को अपनी किसी भी धुन में गा सकते हैं, कैसी भी धुन गा सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। बस ये धुन आपको गाने में अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको गाने में अच्छी लग रही है तो ये धुन अत्यंत ही सुंदर होगी। बस एक बात का ध्यान रखें कि आप सभी शब्दों का अच्छे से प्रोनंसिएशन कर रहे हैं, मतलब आप जब बोलते हैं तो किसी शब्द में
कोई कुटी नहीं होती है, अर्थात शब्दों में कोई गलत शब्द प्रोनाउंस नहीं होता है। सारे शब्द टू द पॉइंट होते हैं, क्योंकि यदि हमारे सारे शब्द सही होंगे तो ही हमारे आवाहन मंत्र का कुछ फायदा है। और मैंने इस वीडियो में आप सभी लोगों को शिव आवाहन मंत्र छोटे छोटे शब्दों में तोड़ तोड़ के बोला है। भले ही इस कारण मेरी जो धुन है वो खराब हो गई हो, परंतु आप सभी लोगों को शिव आवाहन मंत्र पढ़ना आ गया होगा। अगर आपको शिव आवाहन मंत्र पढ़ना आ गया होगा तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो गया है। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को शिव आवाहन मंत्र पढ़ना आ गया होगा। तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं कि कौन सा छंद आपको पढ़ने में ज़्यादा कठिन लगा। तो इसी के साथ मैं आकाश के भी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।